कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं कृषि संकाय विषय गणित अध्याय 16 क्षेत्र मिति निम्न के क्या मान ज्ञात कीजिए। काट 405 अंश और साइन 225 अंश। काट 405 अंश के मान को काट पहला मान अमल कर रहे काट 405 अंश का मान। इस काट 405 अंश के मान को हम लिख सकते हैं क्या कि हम में से सब जानते कि 405 अंश को हम लिख सकते हैं क्या 360 अंश धन 45 अंश। 360 अंश धन 45 अंश के रूप में इसको तो इसको लिखेंगे अगली स्टेप में काट 405 अंश बराबरी से क्या लिखा इसको काट 360 धन 45 अंश। हम इसे सब जानते हैं किसकी वैल्यू हमें से सब जानते हैं कि काट 360 धन थीटा ये पहले चतुर्थांश में आता है और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगी काट थीटा होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब ये काट थीटा होती है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या काट कितनी 45 अंश और हम जानते काट 45 की वैल्यू कितनी होती है एक। दूसरा जो मान हमारे पास है वो है साइन 225 अंश। साइन 200 कितना 25 अंश। इस साइन 225 अंश को भी अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लिखेंगे क्या 225 अंश इसको हम लिखेंगे क्या 180 अंश धन 45 अंश इसमें लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगली स्टेप में हमारे पास हो जाएगी क्या साइन 225 अंश को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन 180 प्लस 45 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखें तो साइन 180 प्लस 45 मीन्स अगर इस चतुर्थांश की पोजीशन को देखें तो 180 प्लस 45 ये हम पहुंच रहे कौन से तृतीय चतुर्थांश में और हम जानते हैं क्या कि साइन 180 प्लस थीटा साइन क्या होता है 180 प्लस थीटा हो तो उसका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है क्यों क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में 10 का है। तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 45 डिग्री। अब माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ भी देखें इसके पहले जो अपन ने किया था 360 प्लस थीटा 360 मीन्स चौथे चतुर्थांश की एंडिंग और 360 प्लस थीटा मीन्स प्रथम चतुर्थांश तो ये क्या हो गया ये हो जाता है 360 प्लस थीटा की कंडीशन मतलब पहला चतुर्थांश और ये हो जाता है 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।